पहले ये बता दो अभी आप लड़की हैं। अच्छा मैं हम बस यही है कि हम कौन है, किस तरह का आपका कल्चर। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप सभी उसकी हेल्प कीजिए, उसको भी फिलहाल ज़रूरत है और हम खड़े रहेंगे उसके लिए, तो उसे अकेला महसूस नहीं होगा। और मैं जानती हूँ कि लड़की अकेली हो जाती है तो कैसे कैसी चीज़ें उसको फेस करनी पड़ती है। हम सभी हेल्प करेंगे, उसको अकेला नहीं लगेगा, उसको इनकम की मतलब आगे जाके जो भी उसका इनकम सोर्स, हम कोशिश करेंगे कि सरकार उसे सरकारी जॉब दे दे ताकि उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। बाकी अब अभी हम फिलहाल जितना उसके लिए कर सकते हैं हम उतना करेंगे। अच्छा सपना जी, आपकी अभी देओल के साथ, अभी देओल के साथ करना है और आगे किस तरह के प्रोजेक्ट और? हाँ बाकी हिंदी है अभी तो फिलहाल, हरियाणवी तो मैं करती रहती हूँ, रुख मेरा यहाँ भी है, बाकी बॉलीवुड से सारे तो आगे कोई कर रही हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। अच्छा सवाल, इजाजत नहीं है तो अभी स्टेज से तो प्रेम रहेगा? स्टेज से तो प्रेम है और मैं इवेंट्स कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा उनका लेवल थोड़ा सा अप हो गया है बस, बाकी स्टेज में कर रेगुलर चल रहे हैं। एक स्टेज पे सपना जी, आपके जो आंखों में आंसू और आप लोगों से भी एक वायरल हुआ था वीडियो। हाँ पता, मुझे वायरल हुआ था वीडियो। एक्चुअली मैं वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बाद में आप प्रेस वाले मेरे नाम की खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं, झगड़ा किसी और का है और फिर आप कहते हैं कि सपना वहाँ की हड्डी टूट गई, सपना वहाँ आई थी, इतने पिट गए नाम बदनाम सपना का। तो इसलिए मैं उस दिन बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि मुझे पता था इस बात में भी मेरा नाम जरूर जुड़ेगा। अच्छा कि छेड़छाड़ की काफ़ी लड़कियों के साथ घटनाएं घट रही हैं, अभी हाल में रोहतक में एक मामला है जिसमें पुलिस वाले ने लड़की से ऑटो में बैठते हुए नंबर मांगा लड़की ने रिकॉर्डिंग की, अब वो जेल में है पुलिस वाले। तो अच्छी बात है, और कहाँ जाएगा, जेल में नहीं जाएगा तो बाहर थोड़ी रहेगा, अच्छा किया। और लड़कियों को बल्कि अपनी अब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये सारे कदम, एक्चुअली मैं अब बहुत सपोर्टिव हो गया है, डिजिटल ले लो और आप प्रेस वाले ले लो, तो आप लोग तो वैसे भी सच का ही साथ देते हो, तो अब लगता है, पता लगता है कि हाँ कुछ भी गलत करने से पहले 100-200 बार सोचना पड़ेगा, तो हम एक्चुअली में अब सेफ फील करती हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। ठीक, थैंक यू।